वेलकम टू यू एंड फ्यूचर दिस साइड और वापस से एक और अपना सेकेंड सेशन जो भी इनसाइडर्स हैं टीम आईएनडी के वो जानने की कोशिश करेंगे आज एक और बार। और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो इन लोग से आज की इस वाली वीडियो में पूछने वाला हूँ और अभी के क्वेश्चंस जो है पिछले वाले सेशन से जो मतलब लाइक थोड़े से अलग है और तुम्हारे लिए भी थोड़े से नए हो सकते हैं मतलब अगर तुम सोचो इसके बारे में। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन एज यूजुअल फ्रॉम क्रेटो। सबसे पहली चीज आती है कि तुम कहाँ रहते हो और अब मतलब लाइक इनकेस अगर मैं पकड़ लूँ कि यू लिव इन मुंबई ओके यू आर फ्रॉम मुंबई और यू आर स्टडिंग और डूइंग समथिंग इन गुजरात ओके तो तुम मुंबई से ऑब्वियसली तुम रहते मुंबई में हो और गुजरात में तुम कर क्या रहे हो ठीक है ऐसे मतलब लाइक जो भी लाइक एक ब्रीफ दे दिया मैंने इसके बारे में। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम यू कि मतलब लाइक कहां रहते हो कहां से। सो बेसिकली आई एम फ्रॉम बिलासपुर छत्तीसगढ़ बट करेंटली आई एम लिविंग इन बैंगलोर एंड आई एम डूइंग अ म्यूजिक प्रोडक्शन कोर्स सो वी आर लिव अलोन देयर इन बैंगलोर विद माय फ्रेंड्स फॉर नाउ ओके सो व्हाट अबाउट यू आई एम फ्रॉम गुजरात एंड I stay in Gujarat. Okay. And I'm right now completing my college and I'm helping my dad in my business. Uh-huh. What about Ajit? I live in Punjab and I study. Okay. Fine. What about Ranj? I'm from Kota. Uh-huh. I'm studying in Mumbai. My BCom course is going on right now. Okay. And I'm in third year. Nice. So, the second question is, पूरे दिन का रूटीन बताओ अपना मतलब पूरा तो नहीं बताना ऐसे सुबह उठा ब्रश किया सब नहीं बताना अब मतलब लाइक ऐसा कि ऊपर ऊपर का एक टाइप ऑफ एक ओवरव्यू दे दो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टाइम्स बेसिकली मेरे साथ होता है कि हम लोग सुबह जब भी उठते हैं हमारा कस्टम्स होते हैं पहली बात हमें वो खेलना होता है फिर हमें अपना स्टडीज का काम करता हूँ फिर उसके बाद हमारे शाम को जो कस्टम्स होते हैं सारे हम लोग उसमें प्रैक्टिस करते हैं अपने जो भी रिहर्सल होते हैं हमें टूर्नामेंट्स के लिए पूरा दिन मतलब ऐसे ही सिक्लो में चला जाता है व्हाट अबाउट शॉट तो लाइक मेरा नॉर्मल शेड्यूल है लाइक मैं अर्ली मॉर्निंग उठे मेरे को आदत है तो लाइक मैं उठता अपना वर्कआउट रूटीन कंप्लीट करता हूँ फिर मैं लाइक वन आवर पबजी पे निकालता हूँ लाइक पर्सनल खुद अपना ट्रेन करने के लिए उसके बाद मैं अपना कॉलेज की जो रहता है वर्क वो करता हूँ फिर डैड का बिजनेस रहता है वो करने के बाद मेरा शार्प 3 PM से स्टार्ट हो जाता है मेरा टीम प्रैक्टिस कस्टम्स एंड ऑल तो उसके बाद से कस्टम्स लाइक 3 घंटे का कस्टम रहता है फिर गैप रहता है फिर 2 घंटे रहता है ऐसे बेसिकली मैक्स टू मैक्स 5 to 6 hours जो रहता है कस्टम्स पर रहता है उसके बाद लोग मैं अपना खा पी के सो जाता हूँ मैं सुबह उठता हूँ फिर लाइक ट्रेनिंग ग्राउंड में 1 घंटा निकालता हूँ ओके इसके बाद जीवन के पढ़ाई शुरू कर देता हूँ पढ़ता हूँ फिर बाद में सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करता हूँ फिर उसके बाद हमारे कस्टमर होते हैं कस्टमर में टाइम निकालता हूँ 3 बजे से मतलब कस्टम्स वगैरह शुरू हो जाता है व्हाट अबाउट क्रेटोस मतलब ऐसा ही चलता है कि कुछ इंटरेस्टिंग है कुछ फॉर मी आई लाइक टू गो आउट like I'm not into more practices right now so I also have my regular classes going on so mera goal sa lagaya thoda to mujhe socialize karna hota hai time to time to mere din ka time to classes mein nikal jata hai aur fir aage wahi practice and jab tak break liya hua then of course bahar jata hu and socialize karne okay and then again I have to come back and I have to work on my classes as well kyunki main apne career pe bhi dhyan de raha hu and gaming pe bhi so yeah and because of that main usually late sota bhi hu क्योंकि मेरे को सब रात का टाइम मिलता है जो पर्सनल एक टाइम होता है मतलब अपार्ट फ्रॉम यू नो यूट्यूब और स्ट्रीमिंग गेम खेलना मतलब खुद को टाइम लेके प्रैक्टिस करना सो मैं लेट नाइट खेलता हूँ तो मैं इसे सोता भी से लेट हूँ तो यूजुअली आई वेक अप आल्सो लेट ओके फाइन सो लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है तुम चारों में से लेट्स स्टार्ट विद स्काउट क्योंकि स्काउट ने पीएमएससी 2018 में पार्टिसिपेट किया था तो ये बेसिकली क्वेश्चन है कि तुम चारों में से किस किस ने पार्टिसिपेट किया था पीएमएससी में और तुम कौन से स्टेज तक पहुंच पाए तो ऑब्वियसली स्काउट हेडेड टू द एशिया फाइनल्स आई गेस सो क्या थी उसकी जर्नी एक मतलब शॉर्ट इसमें बता सकते हो माय फर्स्ट लैन इवेंट बहुत नर्वस था तो लाइक मेरा पहला लैन इवेंट था तो ऊपर से जो टीम सामने थी लाइक ईवो साइन वन ऑफ द बिग नेम्स राइट नाउ ऑल ओवर द वर्ल्ड इन द पबजी कम्युनिटी तो उनके अगेंस्ट मैचेस थे तो बस काफी बढ़िया एक्सपीरियंस और बहुत कुछ सीखने मिला तो वहीं से सीख सीख के आज मैं इधर हूँ अब मैं उनके साथ टू कम्पीट कर लूँ एंड रही बात रंजीत की डिड यू पार्टिसिपेट यस आई पार्टिसिपेटेड लाइक सितंबर में हुआ था ये हाँ हाँ
और फॉक्स कॉर्ड था मेरा क्लैन, उससे मैंने उसके थ्रू मैंने ये खेला था लाइक तब इतना कॉम्पिटिटिव खेले नहीं थे, क्लासिक की तरह खेले थे बस पहले राउंड में परफॉर्मेंस थी एक स्क्वाड एक दो स्क्वाड है बस उसके ज्यादा नहीं. उसके लिए ये सीन था कि यू शुड एटलीस्ट हैव 100 लाइक 1000 सब्सक्राइबर्स आई गेस पार्टिसिपेट वगैरह करने के लिए. फॉर देम इट वाज लाइक द टीम गॉट सिलेक्टेड बट एट दैट पॉइंट वी वर नॉट एट दैट लेवल. Like we were the substitute of the team, so we were benching at that point, so we couldn't play. Achha, so aisa scene tha. And what about Trans? Was it the same? Same, yeah. You tum bhi aur matlab saath hi dilte hain. Yeah, we have always been together since 4 years. So. Arey, kya baat hai. So the next question is, when did you guys start playing this game? Like, kaun se season se start kiya? It was the exact date or anything like that, obviously. So start kaun se season se kiya? For me and Trans. We started with season 1 only, but we were not aware of the competition and stuff, so we did not pay attention. वो तो season 2 में competitive वगैरह scene था. Then फिर we again like we saw obviously the advertisement and stuff of the competitive scene, and we also saw that esports is finally coming to India in a proper way. So we thought we paid like we gave a more interest in that. So we started competitive at season 3. Season 2 ending. Season 2 ending or season 3 I guess. Me and Rans. Okay. And Rehwaj, how did you? I started from Chinese beta. Like when PUBG globally launched, it was very early. Yes, it was very early. It was very early. It was very early. बाद में सीएन वन हुआ और उस टाइम पे सीएन वन के टाइम पे रैंकिंग्स को इतना कुछ फोकस नहीं करा, उस टाइम से लोग गेम का मैकेनिज्म समझ रहे थे तो मैं उधर से खेल रहा था. बाद में सीजन टू के एंड तक कॉम्पिटिशन चालू हो गया था, तो सीजन टू के एंड जब एफएपी लॉन्च हुआ था वर्ल्ड वाइड रिलीज हुआ था उस टाइम से कॉम्पिटिटिव चालू हुआ, तो वहां से मैं कॉम्पिटिटिव खेलना चालू किया हूं. और उस टाइम से लाइक मैंने बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस गेन किया क्योंकि लाइक आई कैन प्राउडली से आई एम लाइक वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेयर्स फ्रॉम इंडिया टू बी प्लेइंग एज अ कॉम्पिटिटिव प्लेयर. Okay. What about Diljit? मैंने भी लाइक चाइनीज बेटा से शुरू की थी और सीजन 3 में लाइक सीजन 1 सीजन 2 सीजन 3 तब तक तो कोई लाइक रैंक पुश किया नहीं, ऐसे खेलता था मुझे. मतलब बेसिकली द क्वेश्चन इज कि तुमने कब से स्टार्ट किया? लाइक सीजन 2. सीजन 2 से मतलब लाइक परफेक्टली खेलना स्टार्ट किया सीजन 2 से. ओके एंड ट्रांस एज क्रेटोस सेड कि तुमने सीजन 2 से स्टार्ट किया, मतलब मिल्की स्टार्टेड. ओके तो उस टाइम पे बेसिकली सीजन 2 में जैसे कि स्टार्ट किया तुम लोग ने तो कॉम्पिटिटिव सीन जो है वैसे ही पुश हो रहा था उस टाइम पे, तो हाउ हार्ड इट वाज टू कोप अप विद दैट और उसके फ्लो में जाने के लिए कुछ मतलब लाइक क्या क्या अंतर तुम लोगों को फेस करना पड़ा उसमें? एक्चुअली वी हैव बीन ऑलवेज इनटू कॉम्पिटिटिव गेमिंग एंड ऑल्सो वी हैव प्लेड मैनी बैटल रॉयल गेम प्रीवियसली. हाँ वो बता सकते हो तुम कि पहले कौन से गेम खेले? सो प्रीवियसली वी यूज्ड टू प्ले दिस ब्रूज ऑफ सर्वाइवल. Which was also a battle royale game. Due to lag, I guess it has bad graphics, I would say. Not that good. And also it was like too much content in it, so we avoided that competitive scene. And then we came into PUBG and we had a good experience from that. Because in that game, ऐसा था कि बॉट्स वगैरह का सीन नहीं था एंड एवरीवन देयर इज नो रैंक्स इन फ्रॉम इन दैट एट दैट पॉइंट. सो द पीपल यू यूज्ड टू प्ले वर एवरीवन वाज लाइक इन द प्रो सीन ओनली, इवन द क्लासिक मैचेस वर लाइक प्रो कॉम्पिटिटिव सीन. वो सही है क्योंकि इसमें बॉट्स नहीं थे, सो असली बंदे आते थे. या सो द कॉम्पिटिटिव द क्लासिक वाज आल्सो लाइक कॉम्पिटिशन, तो इट वाज टफ एंड देन फ्रॉम देयर वी गॉट द एक्सपीरियंस. और फिर हमने जब पबजी स्टार्ट किया वी ऑलरेडी हैड सम एक्सपीरियंस, देन वी ऑलरेडी हैड टीम आल्सो because we all shifted together from that to okay, okay. So we were prepared, I would say. Okay, fine. So next question आता है basically, तुम IND के पहले obviously कौन से clan में थे and उस clan से IND में shift करने का मतलब like क्या reason था या फिर was it planned or anything else कि आगे चल के एक team बनानी है, तुम कब मिले ये सब, मतलब like एक short इस पे अगर तुम में से कोई एक बता सकते हैं इस चीज के बारे में, इस चीज को explain कर सकते हैं. Scout, okay. तो basically हम लोग एक टाइम से राइवल टीम्स में थे. ट्रांस और क्रेडोस वर इन एनएम नो मर्सी, तो नो मर्सी और मैं पहले आईएनडी, मेरी ये आईएनडी पुरानी टीम है, ये उसी टाइम की टीम है. हां ये बात, उस टाइम से आईएनडी और नो मर्सी टाइप से राइवलरीज थी. पर बाद में हम लोग एक लाइन इवेंट था, उस लाइन इवेंट में हम लोग मिले, तो उस टाइम पे हम लोग थोड़ा कुछ
रोस्टर में थोड़ा वीक मेरी फैमिली मेरी रोस्टर थोड़ी वीक थी, इनके रोस्टर में थोड़ा कुछ इशू हो रहा था, तो हम लोग ने क्या कि एक टाइम आ गया हम लोग एक मिलकर टीम बनाते हैं, तो कुछ प्लान तो नहीं करता आई एम डी रखेंगे, पर इवेंचुअली हम लोग ने कहा चलो एक टीम सेटअप था जो पहले ही नाम था उसी टीम को हम लोग रिब्रांड करके एक बड़ा एक और बनाता है उसको लेके चलते आगे साथ में। अच्छा तो बेसिकली अगर मैं उसको एक करेक्ट फ्रेज दूं तो जो टीम आईडी उस टाइम पे डिसबैंड हो गई थी वो रीबिल्ड करा था, को रीबिल्ड करा था क्योंकि मैंने उस टाइम पे टीम आईडी बनाया था और जैसे बोलते हैं खुद की चीज को छोड़ते नहीं है। हाँ ये तो सही है क्योंकि और रही बात तुम लोग को टीम आईडी जब तुमने बनाया मेरे को नहीं लगता तुम लोग को ज्यादा मतलब लाइक ऐसे जैसे कि कोई भी नई टीम बनती है तो उनको पब्लिक के सामने आने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन तुम लोग तो पीएमएससी के टाइम से ही तो मतलब टीम आईडी थी पीएमएससी में तो तुम लोग को ज्यादा दिक्कत नहीं आई। हाँ बस यही था कि लोग पुराना रोस्टर और अभी रोस्टर जमीन आसमान का फर्क था, पर काइंड ऑफ रिजल्ट्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस था क्योंकि पुराना रोस्टर जो कर नहीं पा रहा था इस रोस्टर में करके और इसके जो एक्सपेक्टेड वो भी कर दिखा। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, दिस इज अ क्वेश्चन जो आई गेस हर एक टीनेजर या फिर जो भी यूट्यूब पे देख रहे हैं हमें जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देखा जा रहा है ये वीडियो उन सारे वीडियोस मतलब लाइक जो भी मतलब टीनेजर्स देख रहे हैं फिर एडल्ट्स हो गए तो स्टार्ट फ्रॉम क्रेटोस कि तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स क्या है अदर देन पबजी अगर ई स्पोर्ट्स में कंटिन्यू करना है और आर यू प्लानिंग जैसे कि म्यूजिक प्रोडक्शन के बारे में बता yeah. तो अब कहाँ मतलब लाइक वन पाथ कहाँ जाएगा वो It's always been for me as being a music producer, so obviously I'll go with that only. Uh-huh. Basically now for me PUBG is like my passion, I guess. Like, mm-hmm. You know, so I'm enjoying it for now. But I don't know how much. How long will this work? Yeah. I guess it will last long for a while because now it's like a family for us. Uh-huh. So obviously I won't force myself to into something else which I don't want to do immediately. Yeah. But I'll try to carry both at the same time. Okay, so yeah. What about yeah. Scout? मैं लाइक अपना करियर तो गेमिंग बनाना चाहता हूँ सो अभी तो मेरा टाइम जैसे कि बोल सकते हैं कि जो चीज़ ट्रेंड भी चलती है वो चीज़ में फोकस ज़्यादा रहता है तो अभी पबजी मोबाइल ई स्पोर्ट्स को टेक ओवर कर चुकी है तो मेरे को एक कॉम्पिटिटिव प्लेयर बनना है और मेरे को एक अपना प्रोफेशनल करियर सेटअप करना है सो मैं अभी पबजी मोबाइल में फिलहाल कर रहा हूँ और फ्यूचर में जो नेक्स्ट गेम आएगा उसको भी करूँगा और मे भी हम लोग यही टीम बोर हो गए अगर कोई गेम नहीं आई जो कॉम्पिटेटिव सीन में उस लेवल पे लेके जा रही है तो मतलब ऐसे कुछ प्लान है कि पीसी में शिफ्ट होना है या फिर कुछ हाँ, मतलब ऐसा बोला तो हम लोग सब पबजी पीसी को बहुत एडमायर करते हैं हाँ, तो ऑब्वियसली बात है कि पबजी मोबाइल आगे जाके भी बंद होती है तो हम लोग पबजी पीसी में शिफ्ट होंगे। ओके सो द होल टीम होल टीम शिफ्ट दे आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अरे क्या बात है, व्हाट अबाउट दिल्ली? लाइक मैं भी अपने लाइफ में करियर में लाइक गेमिंग को फॉलो करना चाहता हूं, लाइक गेमर बनना चाहता था मैं तो स्ट्रीमिंग अगर पबजी मोबाइल खत्म भी हुई तो पबजी पीसी में पीसी गेमर हूँ पहले से लाइक हाँ. पीसी गेम बहुत खेली है मैंने पबजी मोबाइल के पहले मैं पीसी गेम भी खेलता था और कुछ नहीं सी एस को पबजी मोबाइल तो अगर हुई बंद पबजी तो मैं पबजी पीसी का खेलूँगा स्ट्रीमिंग करूँगा हम लोग पहले लैन खेलते थे पबजी मतलब पीसी में लैन खेलते थे हम लोग वी यूज्ड टू प्ले लाइक 52-60 पीपल टुगेदर नाइस इट वाज अ होल न्यू लेवल प्लेइंग एट लैन वी वर ऑलरेडी प्रिपेयर फॉर दैट एंड आई होप अगर आने वाले टाइम में मेरे को मौका मिलता है तो मैं पबजी पीसी में शिफ्ट होंगे या तो कोई और कॉम्पिटिटिव पीसी गेमर्स मेरे को पीसी गेम्स मेरे को पसंद है तो फ्यूचर में प्लान है गेमिंग का गेमिंग का और मेरे को साथ-साथ अपना कॉलेज करना है। Okay, so this was it guys for this video and a last message you want to convey for your fans crowd. I think this time let Kudos convey it. So usually what happens is every time koi tournament khatam hota hai to bahut sari teams disband ho jati hai. So like there's miscommunication, misunderstanding aur log ladne lagte hain ki tum kya ho you know started blaming each other. तो इट्स लाइक कि आई वुड ओनली से कि नेवर क्विट विद दैट आई मीन डोंट क्विट योर टीम बिकॉज ऑफ दैट अगर तीन लोगों को एक दिन से प्रॉब्लम है तो यू कैन सब्स्टिट्यूट हिम बट डिसबैंडिंग अ होल टीम जस्ट बिकॉज ऑफ
यू नो मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर किस्मत साथ नहीं दिया ऑफ कोर्स कभी कभी हो जाता है तो यू शुड नेवर क्विट बिकॉज ऑफ जस्ट वन टूर्नामेंट बिकॉज देयर इज मेनी मोर टू कम एंड राइट नाउ PUBG मोबाइल इज वन ऑफ द बिगेस्ट मोबाइल गेम व्हिच इज कमिंग इन इंडिया एज एन ई स्पोर्ट्स सो दिस इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर मोबाइल गेमर्स टू स्टिक टुगेदर एंड बिकम समथिंग गुड What about the underdog teams? उन लोगों क्या बोलना चाहोगे to how to come up with like new stuff जैसे मतलब कुछ नए strategies लेके आ गए अपने game में एक बिल्कुल ही नया play style लेके आ गए तो उनके लिए क्या बोलना चाहोगे? See basically I see most of the underdog teams are like they try to approach us कि उनको एक platform मिल जाए so I would suggest them कि don't approach anyone like be the one if you be like you are dedicated to gaming तो खेलते रहोगे तो अपने आप को लेवल मिल जाता है इसमें एग्जांपल दे सकता हूँ दलजीत नॉन न्यू दैट देयर्स अ सच अ गुड प्लेयर आउट देयर इन द कम्युनिटी ये अगर कभी किसको अप्रोच करता कोई इसको देख लेता है कभी ऐसा रहता है कि कोई और व्यक्ति इसको अप्रोच करता है तो सोचते इसको हमारी जरूरत है पर जब प्लेयर खुद बहुत इतना अच्छा खेलता है तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहता है बाकी टीम्स का जैसे कि ये था इसको मैंने देखा था सोशल मीडिया पर तो इसका गेम स्टाइल इतना मेरे को पसंद आया कि मैंने सामने इसको अप्रोच किया था तो ऐसे जितने भी अंडरडॉग टीम से उनको मैं यही एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि खुद से गेम इम्प्रूव करो और जब तुम गेम इम्प्रूव करो तुम अपने आप अप्रोच किए जाओगे अभी तुम ऐसे किसी को मैं बोला कि तुम बेस्ट हो तो तुम अप्रोच कर रहे ये नहीं होता तुम बेस्ट हो गए तो अपने आप चीज़ आएगी तुम बेस्ट नहीं हो तो चीज़ें नहीं आएंगी सो यू गाइस आर ऑन सोशल मीडिया मेरे को मालूम है इसके बारे में सो what do you think trans ki trans and daljeet the dono se question rahega kyunki dono instagramers ho and dono youtube pe ho i guess trans nahi trans is not on youtube so basically jaise ki daljeet like social media ke through hi bahar nikla tha to what do you guys think instagram rahega ya fir youtube rahega to show up yourself to other people jaise ki other like agar public ko dikhana hai your skills how do you play kaise tumhare matlab like tumhare mein log se alag kya plus point kya hai So what do you think? Will it be Instagram or will it be YouTube? It can be both. You, like show करना चाहिए. Like Instagram पे तुम montage बना के डाल सकते हो एक मिनट का easy होता है. Short period of time डाल सकते हो. और YouTube पे तुम अपना gameplay डाल सकते हो. Like लोग देखना चाहते हैं जिनके पास skill है ना उनका gameplay लोग देखना चाहते होते हैं. Okay. और show करना चाहिए. So was that it? Let's end this. Okay. Thank you so very much guys for tuning in today's video. Ab milte hain ek next video mein. Next video is gonna be a bit cringy and a bit like kuch alag cheeze inke saath karenge hum. So yeah, see you guys in the next video. Till then, peace.